तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JD कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आती न्यूज जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यूज जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लीजिए इस बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाए वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, बात करेंगे न्यू जानकारी, न्यू अपडेट, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा TRC की ओर से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर टीचर रिक्रूटमेंट काउंसलिंग की ओर से आपको मिलने वाली है एक ही बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है दोस्तों। तो यहाँ पर हम आपको लेके चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट को पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने अपना सह सब्जेक्ट के साथ, जो PG में वर्ग एक में सह सब्जेक्ट के साथ आपने परीक्षा दी थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपके लिए चयन सूची से बाहर किया गया है या फिर प्रतीक्षा सूची से बाहर किया गया है। तो सरकार के निर्णय के अनुसार आपके लिए एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में सह विषय में स्नातकोत्तर उपाधि संबंधित पात्रता वाले अभ्यर्थियों को 11 मई और 12 मई 2022 को दस्तावेज सत्यापन शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय 7 नंबर बस स्टॉप शिवाजी नगर भोपाल 11 बजे से रहेगा। तो दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है स्कूल एजुकेशन ऑफ डिपार्टमेंट की ओर से, ये जारी किया गया है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इनको हम करते हैं क्लिक, क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर एक इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें हम आपको बताएंगे सारी जानकारी, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल की डेट का ये नोटिफिकेशन है जिसमें दोस्तों यहाँ पर दिया गया है स्कूल शिक्षा विभाग लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश 777 दिनांक 19/4/22 के अनुक्रम में उच्च माध्यमिक शिक्षा की प्राथमिक चयन सूची। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वर्ग एक की प्राथमिक चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें सह विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित की है, स्नातक उपाधि के विषय के परीक्षण उपरांत आदेश में उल्लिखित पात्रता होने से अभ्यर्थियों के संबंध में निर्णय लिया जा रहा है। तो जिसमें दोस्तों यहाँ पर संलग्न सूची अनुसार अभ्यर्थियों की सूची सूचित किया जाता है कि वे निर्धारित दिनांक को निर्धारित समय व नीचे दर्शित स्थल पर समस्त दस्तावेजों की 2 फोटोकॉपी प्रतियां, मतलब ओवरऑल सभी के आपको 2 सेट बना के ले जाना है, और साथ ही मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित हों ताकि दस्तावेजों का सत्यापन कर निम्न अनुसार अभ्यर्थियों पर निर्णय लिया जा सके। जिसमें दोस्तों यहां पर आपका जो एड्रेस दिया गया है वो आप नोट डाउन कर लीजिए, शासकीय उत्कृष्ट सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय 7 नंबर बस स्टॉप मेन रोड 2 शिवाजी नगर भोपाल 11 मई और 12 मई 2022 को। चलिए आगे नेक्स्ट में देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। देखिए, सह विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित करने वाले माध्यमिक शिक्षा पदों हेतु सत्यापन के जो 11-12 मई को होना है उसमें दस्तावेजों का विवरण में देख लीजिए, जन्म तिथि हेतु 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट एवं 2 स्वयं प्रणाली छाया प्रति। सबसे पहले बात दोस्तों यहाँ पर 10वीं 12वीं की मार्कशीट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ डला हो, स्नातक उपाधि, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मूल अंक सूची प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष की सारी आपको ले जाना है, 2 स्वयं प्रमाणित उसकी छाया प्रति ले जाना है, स्नातकोत्तर की उपाधि इसमें भी आपके सभी मार्कशीट यहां पर आप ले जाएं, 2 स्वयं प्रमाणित छाया प्रति, आरक्षण से संबंधित मूल प्रमाण पत्र, 2 स्वयं उसकी छाया प्रति, जो प्रमाणित छाया प्रति है वो आप ले जाएं, अतिथि शिक्षक हेतु यदि अनुभव से संबंधित है तो वो प्रमाण पत्र ले जाएं, फिजिकल हैंडीकैप से संबंधित है तो वो भी आपको यहाँ पर लेके जाना है, बहुत पूछे ने क्या फिजिकल हैंडीकैप है। अब आगे दोस्तों यहाँ पर आपको दी गई है लिस्ट, लिस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहाँ से आप इसको चेकआउट करेंगे, या फिर आप इनको थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर बड़ी है लिस्ट और आप इनको चेकआउट कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहाँ से ये रोल नंबर जिनके दिए गए हैं वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये बायोलॉजी वालों के नंबर हैं, इसके बाद बायोलॉजी का ही है यहाँ पर, क्योंकि बायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी है या फिर बायोटेक्नोलॉजी है, बहुत सारे कैंडिडेटों को कन्फ्यूजन था इस कारण से उनका होल्ड पर रखा गया था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बायोलॉजी के सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी के सब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट में हम देखते हैं बायोलॉजी के ही सब्जेक्ट चला है। इनका रोल नंबर जरूर आप मैचआउट कर लीजिए, चेकआउट कर लीजिए, इसकी लिंक पर से आपको मिल जाएगा, अलग से मिल जाएगा, ये यहाँ पर बायोलॉजी ही है। बायोलॉजी के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको केमिस्ट्री मिल जाएगा, केमिस्ट्री के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कॉमर्स भी दिया गया है, कॉमर्स के बाद इकोनॉमिक्स भी है, हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स के बाद दोस्तों यहाँ पर हिस्ट्री के मिल जाएंगे, होम साइंस के भी कैंडिडेट हैं, मैथमेटिक्स के भी दोस्तों यहाँ पर साइंस के हैं, मैथ साइंस के भी हैं, फिजिक्स के भी दोस्तों यहाँ पर आपको कैंडिडेट मिलेंगे,
पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर की। तो दोस्तों ये 13 पेजेस की लिस्ट है जो कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आप ले जाइए, आप अपना वेरिफिकेशन कराइए, और नेक्स्ट जो भी प्रोसेस रहेगी वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन में कोई डाउट होता है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @JDComputer। यहाँ भी मैं गवर्नमेंट जॉब संबंधित, डेली करंट अफेयर संबंधित, डेली न्यूज संबंधित सबसे पहले जानकारी अपडेटेड करता रहता हूँ। तो यहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।